अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली होम्योपैथिक क्लिनिक साहिवाल। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है इम्पॉर्टेंस ऑफ सिम्टम्स इन होम्योपैथी, होम्योपैथिक तरीका। होम्योपैथिक तरीका इलाज में अलामात की अहमियत क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज अलामात पर बेस करता है, यानी एक कामयाब नुस्खा की तजवीज़ का सारा दौर मदार सिर्फ इतनी सी बात पर है कि आप अपने मुआलज को अलामात कितनी तफसील से बताते हैं जिसमें आप मुब्तला हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने मुआलज को ये बताते हैं कि मेरे सर में दर्द है, ख़ारिश है, खांसी है, तो इतना बता देना काफ़ी नहीं, बल्कि आप कुछ इस तरह से बताएंगे कि मेरे सर में दाईं तरफ कनपट्टी के ऊपर चुभनदार दर्द है जो ठंडी हवा से ज़्यादा होता है, गर्म कपड़ा लपेट लें तो कमी आती है, लेट जाने से कम होता है और चलने से ज़्यादा होता है। इस तरह से आप वो तमाम मालूमात अपने मुआलज को फराहम कर देंगे जो एक नुस्खा की तजवीज़ के लिए नहायत ज़रूरी हैं। इसके अलावा नाज़रीन, कुछ पॉइंट्स मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जो अपने मुआलज से ज़रूर शेयर करें जिससे आपके इलाज में इंतहाई कामयाबी हासिल होगी। उसमें नंबर वन, लोकेशन। लोकेशन से मुराद मर्ज़ का मुकाम है, किस मुकाम पर आपका मर्ज़ है। नंबर टू, सेंसेशन है, यानी वहाँ पे एहसास क्या हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, जलन महसूस कर रहे हैं, ठंडक महसूस कर रहे हैं, खिंचाव महसूस कर रहे हैं, चुभन महसूस कर रहे हैं, ये तफसील अपने मुआलज को बताएं। नंबर तीन, मोडेलिटीज़ हैं। मोडेलिटीज़ से मुराद है कमी या ज़्यादती, यानी आपके मर्ज़ में किस तरह से, किस हालत में कमी आती है और किस हालत में ज़्यादती होती है, इसको आप तफसील से बताएं। नंबर फोर पे कॉनकॉमिटेंट सिम्टम्स हैं, जिससे मुराद है कि एक ही मर्ज़ के साथ दूसरी मर्ज़ का लाजमी तौर पे आना, जैसा कि मेरे सर में दर्द है और जब सर में दर्द होता है तो साथ उल्टी आती है। नंबर फाइव, टाइम है। टाइम से मुराद है कि मर्ज़ आपका किस वक्त ज़्यादा होता है, यानी रात के 12 बजे, 3 बजे, सुबह उठने पर, शाम 4 बजे। नंबर सिक्स, साइड्स हैं, यानी आपका मर्ज़ किस साइड पे ज़्यादा होता है, दाईं तरफ ज़्यादा होता है या बाईं तरफ ज़्यादा होता है। नंबर सेवन, अल्टरनेटिव सिम्टम्स हैं, यानी मुतबादल सिम्टम्स। एक मर्ज़ ठीक होती है तो दूसरी आती है, दूसरी ठीक होती है तो पहले वाली आ जाती है, यानी सर में दर्द है तो पेट दर्द शुरू हो जाता है, पेट दर्द ठीक होता है तो दोबारा सर दर्द शुरू हो जाता है, ये नहायत अहम है बताना। नंबर एट, एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन से मुराद ये है कि आपका मर्ज़ के मुकाम से किस तरफ एक्सटेंड करता है, नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, दाईं तरफ या बाईं तरफ। लास्ट में नाइन नंबर, डिस्चार्जेस हैं, यानी आपके जिस्म के अखराजात कैसे हैं, किस वक़्त ज़्यादा होते हैं, किन दिनों में ज़्यादा होते हैं, कलर क्या है उसका, येलो है, ग्रीन है, ट्रांसपेरेंट है, मिल्की है, इसके अलावा वो क्या जलनदार हैं, जगह को छील देते हैं, और उनकी विस्कोसिटी क्या है, गाढ़े हैं या पतले हैं, और लास्ट में उनकी स्मेल, उसमें बू कैसी है, ये ज़रूर बताएं। अगर आप इस तरह से अपने होम्योपैथ मुआलिज को अपनी अलामत तफसील के साथ बताते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप इंशाल्लाह कामयाब इलाज पाएंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।